ऑल राइट सर्विस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सारे के सारे अच्छे होंगे। मैं कैसा हूँ ये आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कैसा हूँ। अभी क्या हुआ है मेरे साथ, सबसे पहले आप लोग ये वाली मेरी रील देखो। मैं अभी न्यू फोन लिया था 1.5 लाख का, वो अभी यहाँ पे मैं गिर गया एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे देख लो, ये खुशालपुर चौक है रायपुर का, यहाँ पे मेरा फोन घूम गया और कोई उठा लिया, स्विच ऑफ कर दिया। गाइस जिस किसी के पास भी प्लीज दे दो यार, बहुत मेहनत से कमाई है, मैं हालत खराब हो गई मेरा, बहुत टाइम से खोज रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फोन घूम गया है। ये खुशालपुर चौक है रायपुर का, प्लीज जो कोई भी रखा है स्विच ऑफ कर दिया फोन को, तो गाइस प्लीज दे दो यार प्लीज। तो इसके बाद मैंने एक रील पोस्ट करके इंस्टाग्राम पर डाली थी कि मेरा फोन जो है चोरी हो गया, आईफोन 15 प्रो, जो मैंने अभी रिसेंट में लिया था अपने बर्थडे के टाइम। ये पीछे डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये बर्थडे के लिए हम लोगों ने डेकोरेशन किया हुआ था, आधा निकल गया। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था मैं अभी तुम लोगों को बताने वाला हूँ। काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जो तुम्हारा मतलब क्या किए तुम, कैसे क्या हो गया जो तुम्हारे साथ, तुम्हारा फोन खो गया, चोरी हो गया, जो भी हो गया। तो सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और सारे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, अच्छा हुआ जो हुआ ऐसा वैसा। तो अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, तो मैंने अपने खुद के लिए, मेरा एक तो ड्रीम था आईफोन लेना, बहुत मुश्किल से मैंने आईफोन 11 लिया हुआ था और मैं एक दूसरे फोन से भी शूट कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के फोन से। मेरे पास आईफोन 11 है, तुम लोगों को पहले से ही पता होगा, मैं बहुत पहले से आईफोन 11 ले चुका था, वो भी मैंने अपने पैसे से लिया था, एक एक पैसे इकट्ठा करके 50 रुपये 100 रुपये ऐसा इकट्ठा किया था। मैं काम पे भी जाता था, जॉब पे जाता था, वहाँ से भी मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। और आईफोन 11 64 GB लिया था, जो कि बहुत कम था, फिर भी मैंने 100K से आज 895 के किए सिर्फ आईफोन 11 से अपने, 895 मतलब 8,95,000 समथिंग, 9 लाख के फॉलोअर, और एक और आईडी मेरी जिसमें 4.5 लाख फॉलोअर है, मैंने आईफोन 11 से इतने किए हैं। वो आईफोन 11 अब मर चुका है, मतलब मर चुका है बोले तो मतलब काम नहीं करता, बहुत लैग होता है, मतलब उसका कैमरा क्वालिटी भी पूरा गिर गया। तो मेरे को अपने कंटेंट को अपग्रेड करने के लिए न्यू फोन लेना था। हर कोई बोल रहा है इतना महंगा फोन क्यों लिया, क्या लिया, शो ऑफ के लिए लिया, अपने बाप को पैसा उड़ाया, कुछ नहीं है। मेरा बहुत मेहनत का पैसा, सारा मेहनत का पैसा, जो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कमाया था, यूट्यूब से कमाया था, जो भी प्रमोशन से कमाया था, सारे पैसे मैंने इकट्ठे किए थे। और 1,30,000 के आसपास का मैंने आईफोन 15 प्रो 512 GB लिया था, ब्लैक कलर का, मैं आप उसकी फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने लिया था, मैं बहुत ज्यादा खुश था, मैंने स्टोरी डाली, मैंने हर चीज में मतलब बता दिया कि मैं फोन लिया। तो लोगों की लग गई नजर और बहुत से लोग अपने खास लोग जलने भी चालू हो गए। मतलब लोग क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होता उससे, तो वो सब मेरे पे, मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं था, मतलब ये सब नजर वजर। नवरात्रि स्टार्ट था 8 तारीख, मतलब 7 तारीख को अपना प्लान था गरबा जाने का, लेकिन 7 तारीख को कुछ ऐसा मतलब जो हुआ, अपन दूसरे जगह चले गए। माता रानी की एक वीडियो शूट किया मैंने, आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा ये वाली रील, मैंने लास्ट लास्ट मेरी रील यही शूट हुआ उस फोन के बाद। दूसरे दिन 8 अक्टूबर को हम लोग जाने वाले थे गरबा के लिए, गरबा नाइट था, हम लोग गरबा खेलने जाने वाले थे। तो मैं कुर्ता लेने जा ही रहा था, मतलब रात के 9 बजे रहते थे आसपास, और मैं रहता हूँ यहाँ पे भाटा गाँव के चौक के पास, एंड मैं ऐसा खुशालपुर होके जा रहा था, खुशालपुर चौक से आपने को जाना था गुड़ियारी, वो अपन खुशालपुर चौक से जा रहे थे, मतलब ऐसा थोड़ा फ्रेंड के घर होते हुए मेरे को कुर्ता उड़ता लेना था, वहां से उठाना था पहनना था बोल के। तो अचानक से अपन जो ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज जो है, वहां पे थोड़ा ऐसा ब्रेकर, पहले तो ब्रेकर मैंने क्रॉस किया, फिर एक बंदा सामने से मेरे ओवरटेक करके गया एकदम साए से, तो पहले मैं उसको देखा, तो जैसे मैं उसको देखा अचानक से एक कार जो मेरे आगे चल रही थी वो एकदम जोर से, इतना जोर से ब्रेक मार के रुकने एकदम फट से, तो मैं भी ऐसा जोर से ब्रेक मारा उसको देख के, ताकि मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी पे टकराए मत। और तो उसके बाद जैसे मैं ब्रेक मारा तो हम लोग एकदम ब्रेक ऐसा चिपक गया गाड़ी का, और हम लोग ऐसा ऐसा नहीं हो पाया, सीधा इस साइड से गिर गए, इस साइड गिरे, और उस पर जैसा फोन गिरा और हम लोग की गाड़ी भी गिरी, तो गाड़ी को मैं उठाया साइड हुआ, और मेरी फ्रेंड थी वो भी साथ में, वो भी गिर गई थी, उसको साइड किया, और मेरे को ध्यान नहीं था कि फोन उसके हाथ में था, मैं सोचा कि उसको दिया हूँ, मैं उसको अपना फोन दे दिया था पीछे और मैं गाड़ी चला रहा था। तो उठते हुए जैसे अपन गिरे तो उसके हाथ से साथ फोन गिरा और उसको पता नहीं चला, मतलब और ऐसा होता है ना एक्सीडेंट तो कुछ होश नहीं रहता, मतलब क्या हो रहा है ऐसा टाइप का रहता है। तो गिरा और फिर मेरे को दिमाग आया वहीं पे ना, वहीं पे जस्ट अपन साइड हुए, तो मेरे को समझ आया कहाँ है मेरा फोन। तुरंत मैंने दूसरे फोन से कॉल लगाया, लेकिन वो जो रास्ता था बहुत भीड़ वाला रास्ता था, तो ना मैं वहाँ पे घुस पाता था। जैसे मैंने डायरेक्टली कॉल किया, पहले चेक किया वहाँ पे आसपास, फिर कॉल के पहले अपने जेब पे चेक किया, नहीं मिला, उसको पूछा, मेरे को लगा वो पकड़ी, तो मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन एक बार जब पूछा नहीं है बोल के, तो मैं तुरंत कॉल लगाया, 5 मिनट भी नहीं हुआ था अपने को गिरे, फोन स्विच ऑफ हो गया था मेरा। मतलब लोग, हम लोग किसी ने उठाने नहीं आया, लेकिन फोन को कोई उठा के लेके गया, ये इंसानियत है यहाँ की। अगर कहीं पे कुछ ऐसा, मैं साथ में था तो ठीक है, लेकिन अगर बस लड़की लड़की लोग ही गिर जाते ना, तो 4 हाथ उसको उठाने आ जाते, लेकिन मैं लड़का था तो उठाने नहीं आया, हमको नहीं उठाया, गाड़ी को नहीं उठाया, लेकिन फोन को उठा के लेके गया, जो भी गया।
जो भी वो वीडियो देख रहा होगा भाई, अगर तेरे पास मेरा फोन है तो प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट करके दे दे, मैं तेरे को पैसे भी दे दूंगा, इतना भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उस फोन पे, और मेरा फोन एकदम न्यू है। सबसे पहले मेरा ड्रीम फोन है वो फोन, ना आप तुम कहीं बेच पाओगे, ना यूज कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, तुम्हारे पास डब्बा पड़े रहेगा। इससे अच्छा आप मेरे को दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बस इतना ही बोल रहा हूँ। तो ये सब होने के बाद ना मैं एकदम डिप्रेस हो गया था बस, और कुछ नहीं। एक्सीडेंट हुआ था, मेरे फ्रेंड के पैर पे मोच आई थी, और आज 15 दिन से ज्यादा हो गया, अभी भी उसके पैर में सूजन है मतलब। और मैंने पुलिस कंप्लेन कराई कि मेरा फोन चोरी हो गया ऐसा ऐसा, लेकिन पुलिस वाले लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि गलती हमारी रहती है, ऐसा बोलते हैं तुम्हारी गलती है, अगर ट्रेस होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं मतलब। मैंने बोला कि वहाँ का सीसीटीवी चेक कराओ, फिर भी उन लोगों ने ऐसा बात डाल दिया। फिर भी जितना हो सके उन लोग कर रहे हैं, जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे थे, एप्पल आईडी है सब, मतलब केस करे हो जाएगा, सीसीटीवी सब। भाई मैंने हर चीज़ कर लिया है, क्या मैंने वो चीज़ सारी चीज़ें नहीं की होगी क्या, जो मेरा ड्रीम फोन था उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की होगी क्या, आपको लगता है क्या? नहीं, मैंने सारी चीज़ें कर ली जिससे मेरा फ़ोन मिल जाए। एक दो बंदे के पास जो सेम सेट था, मैंने उनके पास जाके मिलके भी देखा कि भाई मेरा फोन तो नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा रोना आ रहा था। मैंने सपने जो भी ये देखो, ये इयर रिंग्स, चैन, ये सारी चीजें मैंने उतार दिया था घर आके, मतलब मैंने एकदम दिल उतर सा गया था कि मतलब मैंने एकदम इन्वेस्ट किया इस चीज पे, और ये फोन मैं क्यों लिया हूँ पता है, क्योंकि मेरा इनकम सोर्स है इंस्टाग्राम यूट्यूब, और मेरे को अच्छे कंटेंट देने आ गए, और मेरे को अगर अच्छे से काम करूंगा तो और इनकम कर पाऊंगा, और अर्न कर पाऊंगा, और आप लोग को अच्छे चीज़ें बता पाऊंगा, अच्छी चीज़ें दिखा पाऊंगा। क्योंकि हम लोग हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास फैमिली को एक आईफोन अफोर्ड करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरे फैमिली में किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास था, एंड फिर मैंने एक और लिया था। और ऐसा है कि लोगों की नज़रें भी लगती है, बहुत लोग जलने वाले हैं साथ में, आज दिवाली का दिन है, और फिर भी मेरे को ये शूट करना पड़ रहा है, और आज दिवाली के दिन से मैं फिर से इस लाइन पे फिर से आ रहा हूँ, मतलब 15 से 20 दिन हो गए होंगे मैंने छोड़ दिया था पूरी चीज़ें। मैं एकदम डिप्रेस हो गया था, मतलब करूँ कि नहीं करूँ, अब कुछ नहीं करना था मेरे को, बस अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं था, ऐसा हो गया था मतलब। अब मैं इतने ज़्यादा क्या बोलूँ, लिटरली लोग इतने बुरे हैं, मेरा इंसानियत पूरी ख़त्म हो गई है दुनिया से, मतलब भाई तुमको ये नहीं लगा सामने वाला इंसान अपने फ़ोन के लिए कितना, अगर इतना महंगा फ़ोन है तो क्या फील कर रहा होगा, तुम फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए सामने वाले की नीयत नहीं थी देने, नहीं तो सामने वाला भी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता, सामने उसको लगता कि हाँ कॉल कभी ना कभी आएगा और होतेगा वापस। जो भी है, इंसानियत ख़त्म हो गई दुनिया से, बहुत जालिम दुनिया, अगर कोई गिरता है तो उठाने नहीं आता, उसकी चीज़ें उठा के चले जाते हैं लोग, कोई मर रहे तो मरने दो, उनको क्या उनकी चीज़ें उनसे मतलब। मैं बस लाइफ को अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कितने गंदे लोग हैं दुनिया में, मतलब अभी देख रहा हूँ लाइफ और दुनिया देख रहा हूँ, अभी तो समझ आ रहा है कि दुनिया कितनी है बुरी है। और सच बोलूँ तो मैं हार मान गया था अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। सब लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, पहले तो घर में बहुत चिल्लाया, उसके बाद घर वाले सपोर्ट किया, बोले चल छोड़ जो भी हुआ जाने दे, जो भी मतलब था, जो भी लिखा हुआ था किस्मत में, जो भी होना था शायद यही लिखा हुआ था, और भी तरक्की करेगा तो आगे। तो फिर मेरे घर वाले बोले कि दूसरा फ़ोन लेके दे देंगे, लेकिन मेरे को मन नहीं है, अभी भी मेरे को फ़ोन लेने का मन नहीं बिल्कुल भी, मैं जो है ना 11 पे कर लूँगा। अब मैं इतना वो हो गया हूँ कि मेरे को घर वाले भी बोल रहे हैं फ़ोन लेके दे दे तेरे को छोटा मोटा भी कोई सा भी जिस पे तेरा काम चल जाए, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे पास है जो 11, उस पर मैं एडजस्ट कर लूँगा जैसे तैसे भी, मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे को फ़ोन नहीं देना है। मेरा पूरा मन उतर गया मेरे पास वीडियोज़ बनाने से, लेकिन आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और आज सब चीज़ मैं अपना जो भी था मैं अपने फॉर्म पे आ गया हूँ। लोग बोलेंगे तो छपरी फिर से बन, लेकिन ये मेरा काम है। तो मेरे डैड मॉम डैड अगर कहीं काम पे जाते हैं तो क्या वो नौकर है क्या, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो नौकर कहलाएंगे क्या, बताओ? और ये मेरा खुद का काम है, मैं अपने खुद की वीडियोज़ बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, लोग कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हूँ। तुम लोग छपरी बोलने से अच्छा ही है कि कुछ कर लो, तुम भी कर लो, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स है ये भी, तुम लोग भी करो, तुम लोग भी कमाओ, किसी को गलत बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है आज के। तो बोलूँ बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरा बर्थडे का मैं, मेरा बर्थडे के बाद ना मेरा, मैं सोचा था मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब बर्थडे का मेरा बर्थडे इतना अच्छा गया, मतलब सब अच्छा जा रहा था, मैं फ़ोन ले लिया, उसके बाद बस न्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी, मेरे को नया नया कंटेंट डालना था यूट्यूब पे, लेकिन ना क्या हुआ ना, लोगों की गंदी नज़र, और खुद की भी कुछ होगा जो भी मेरा किस्मत पे लिखा होगा भगवान, वो भी हुआ था मेरा भी जो भी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ, मतलब भगवान इतना बुरा कैसे हो गया मेरे साथ, मतलब मैं इतनी मेहनत से फ़ोन लिया भाई, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ चोरी चमारी करके पैसा लाया था, मेहनत का पैसा था इधर उधर से, और लोगों से भी उधार लिया था क्योंकि मेरे को अर्जेंट में फ़ोन लेना था बर्थडे का टाइम। ऐसा आज मैं समझ गया कि शो ऑफ मत करो अपनी चीज़ों का, लोगों की गंदी नज़र लगती है। और आज के बाद बहुत सारी अपनी लाइफ में सीख ले रहा हूँ, मैंने एक सीख ले ली, अगर तुम्हारा कोई खास है ना, तुम्हारे एकदम दिल के करीब, तो शायद तुमको समझ सकता है। बाकी
बाकी कर रहा हूँ कोई नहीं समझ सकता तुम। बहुत दिनों से अकेला फील कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं अकेला हूँ। आज दिवाली, लेकिन मुझे दिवाली का जरा भी वो नहीं, मुझे दिवाली मनाने का मन नहीं, मैंने पटाखे नहीं लिए, कपड़े नहीं लिए, कुछ भी अभी वो नहीं, मतलब पूरा एक्साइटमेंट जो भी है ना सब खराब हो गया, मतलब चीज़ें अभी खराब चल रही। लेकिन लोग तो यही चाहते हैं ना, जो जलने वाले लोग यही चाहते हैं कि इसका सब खराब हो जाए, तो सब बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं फिर से स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी, फिर से सब चीज़ स्टार्ट करूँगा और आप लोग को अच्छे कंटेंट दूंगा और मेहनत करूँगा, क्योंकि ऊपर वाला भी शायद मेरी परीक्षा ले रहा होगा कि चल अब इसको ये करके देखते हैं ये आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, इसको यहाँ रोक देंगे तो ये रुक जाएगा क्या। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ ना, आज भगवान मेरे को परीक्षा ले रहा है तो मैं परीक्षा पास करके आगे जाऊँगा ना। तो बस वही बोलूँगा कि जिसके पास भी अगर मेरा फ़ोन हो तो भाई इज्जत से लौटा दो, मैं आपको उसके पैसे दे दूँगा, मैं कोई भी केस वेस भी नहीं करूँगा, ठीक है। बस इतना ही बोल रहा हूँ, मेरा वो फ़ोन लौटा दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है 1.5 लाख रुपये। बाकी थैंक यू सबको मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए। इतना ही हुआ था कि बस एक्सीडेंट हुआ था, फ़ोन गया, बहुत उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत सारी चीज़ें मैं तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, मैं कैसी स्थिति में था अभी 15 दिन तक अकेला, मतलब कोई ऐसा था ना बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन सा दोस्त तुम्हारे साथ है। मेरे एक दो दोस्त का भी कॉल नहीं आया, जो मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना, मैं बोलूँगा हजारों लाखों दोस्त होंगे मेरे पूरे इधर, मतलब इतने दोस्त बना के रखे मैंने, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती ना तो किसी एक का भी कॉल नहीं आता, पता है। जो ना तुम खुद हो यार और तुम्हारे फैमिली है, यही तुम्हारे काम आएगा, और कोई काम नहीं आता। बाकी चलो चलते हैं अभी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और अगर भगवान की दुआ है और आप लोग की दुआ है, आप लोग का प्यार है, तो आगे भी खूब तरक्की करेंगे। लेकिन अभी मेरा ना एक लास्ट ड्रीम था आईफोन का, एक लास्ट ड्रीम, मैंने ना अपने कमाई से ना अपने सारे ड्रीम पूरे कर रहे थे, मतलब सारे ड्रीम मैं अपना पूरा कर रहा था। सबसे पहला ड्रीम मेरा था एक मिडिल क्लास बंदे का होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नए नए मैं अच्छे अच्छे कपड़े लेके पहन रहा था अपने पैसों से। उसके बाद एक ड्रीम होता है कि अच्छा था एक फ़ोन, एक गाड़ी हो, गाड़ी मैंने ले ली थी और एक फ़ोन, क्योंकि फ़ोन क्यों, फ़ोन मेरे को पहले बात तो मेरे को आईफोन का शौक नहीं, और ड्रीम क्यों था पता है वो, क्योंकि मेरा काम उसी से ही चलता है और उससे अच्छी क्वालिटी की कंटेंट शूट होते हैं, मतलब इसीलिए मेरा वो ड्रीम था। तो मैंने वो भी पूरे कर लिए था, उसके बाद मेरा कोई ड्रीम नहीं था। उसके बाद मेरे को सब अपने घर वालों के लिए करना था, घर बनाना था, घर वालों के फैमिली के लिए कुछ करना था, ये सब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फ़ोन ले गई, सारा चीज़ें बर्बाद हो गया, घर वाले भी बोले इतना इतना पैसा लगाया, तो फाइनल मेरा कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने कोई भी ड्रीम्स पूरे नहीं करने, अब सारी चीज़ें मेरे को घर वाले के लिए करने, फैमिली के लिए करने। समझ गया, मेरे को भगवान ने शायद सीख दे दी कि बेटा तू बहुत उड़ रहा है अभी, तू घर वालों के लिए कुछ कर। तो पता नहीं जो भी मेरी किस्मत में था, लेकिन बहुत ज़्यादा रोना या पहले बात में 4-5 दिन तक डेली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आप लोग को। बाकी थैंक यू यहाँ तक वीडियोज़ देखने के लिए, और आप लोग प्यार देखा, सपोर्ट देखा, मैं आगे के ब्लॉग्स डालते रहूँगा। कुछ कुछ ब्लॉग्स उस फोन के साथ चले गए और कुछ कुछ ब्लॉग्स आई क्लाउड में पड़े हैं, तो उसको मैं एडिट करके डालता हूँ। बाकी शुक्रिया आपका।